सिंगरौली जिले के चितरंगी तहसील के अंतर्गत उचित मूल्य दुकान नौगई के सेल्समैन पर लगे गंभीर आरोप। सरपंच और ग्रामीण एसडीएम से की शिकायत। बता दें कि ग्राम पंचायत नौगई प्रथम के सरपंच जितेंद्र सिंह द्वारा ग्रामीणों के साथ उचित मूल्य की दुकान नौगई के सेल्समैन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उपखंड अधिकारी के समक्ष शिकायत की है। हितग्राहियों का कहना है कि सेल्समैन द्वारा अंगूठा लगवा लिया जाता है और पूर्ण रूप से खाद्यान्न बांटे नहीं जाते। उपखंड अधिकारी द्वारा जांच की बात भी इस दौरान कही गई है और दोषी पाए जाने पर सेल्समैन पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। मेरा नाम जितेंद्र सिंह है, मैं ग्राम पंचायत नौगई प्रथम से सरपंच हूँ और हमारे यहाँ उचित मूल्य की जो राशन की दुकान है वहाँ बहुत सारी बहुत अनियमितता पाई जा रही है, क्योंकि जो छोटे बड़े वृद्ध जवान या जो भी वहाँ के हकदार हैं गल्ला पाने की, वो 5-6 महीने से बिल्कुल व्यथित है, उनको कहीं से नहीं मिल रहा है। एक आध घंटे 2 घंटे के लिए दिए, 2-4 आदमी पा गए फिर बंद करके भाग गए और सब सेल कर देते हैं। ये सब चीज़ें हमारे पास प्रूफ में है कि जब वो जहाँ जहाँ सेल किए हैं सब हमारे पास प्रूफ है, हम सब आपको देंगे। और यही हम माननीय एसडीएम महोदया के पास आए थे कि भाई सबसे हम देख लिए कह के, और इनके न्याय संगत आचरण की वजह से हमें लगा कि महोदया का काम या एसडीएम साहब जो भी राशन कार्ड इनके हक में है उनको मिलना चाहिए, ये इसी के लिए आए थे, वो आज मिले हैं। अंगूठा लगवा के दिया भी नहीं जाता। हाँ, और अंगूठा लगवा लेते हैं वो और जाके घर घर और हो गया भोली भाई जाता है, अशिक्षित है सब और हो गया, और कार्ड भी रखे हैं और देना तो कभी है ही नहीं हम। अच्छा, और प्रूफ हो जाता है जैसे अंगूठा लग गया फिंगरप्रिंट के बाद फिर हो गया, फिर इनका हो गया कि भाई मिल गया इनको, दे या ना दे उनकी मर्जी, हाँ फिर मर्जी उनकी, फिर तो कभी देना ही नहीं है, हम काहे झूठ बोलेंगे। आप जनता से भी पूछा जाए, इनसे पूछ लिया जाए कि हम जांच करा रहे हैं अभी और जो भी गलती अगर पाई जाती है तो हम उसको निलंबित करेंगे और हटा के दूसरा कोटेदार आपको देंगे जो कायदे से वो दुकान चलाए। और हमें भी ये विश्वास है कि मैडम के दो कार्रवाई हम देखें और मुझे भी ये विश्वास है अभी कि किसी को निर्देशित की है जांच करने के लिए। हाँ, जांच करने के लिए आरआई साहब को पटवारी को भेजने कहीं है कि आप लोग पहुंचिए, हम भेज रहे हैं। ये आपके ग्राम पंचायत की पूरी पब्लिक है? हाँ, ये पब्लिक पूरी तो नहीं है पर जितने आ सके हैं, इस ठंड में तो आए हैं बेचारे और सब पैदल आते जाते हैं। 6 महीने से गल्ला नहीं दे रहा है, बहुत परेशान है। क्या कक्का गल्ला नहीं मिल रहा है, घर जा जाते केवाईसी के बहाने पर और लड़के बच्चे घर में भूखे पड़े हैं, इसमें बहुत परेशानी आ रही है। मकर संक्रांति का त्यौहार है, देखिए इनकी परेशानी देखिए, और बाद में गल्ला नहीं मिलता, अंगूठा हर महीना लगवा के वार्षिक बहाने पर आगे लगवा। कौन है कोटेदार? धनवान हनुमान। हनुमान तो भाई वो तो आते नहीं।